अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुना मेज़बान दिलप्रीत रहमान ताफ चौधरी। तो अपना पसंदीदा चैनल तकने लगे हुए दिलिस्वर। तो नाज़रीन, इस टाइम अस मौजूद हाँ डडयाल मकबूल भट शहीद चौक विच, जिथे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम पर एक खूबसूरत लंगर इहतमाम किया जा रहा है, जिथे गरीब और अमीर नहीं कोई कैद नहीं, जरा मर्जी है बंदा इतने अच्छी तो लंगर खाई सकना। सारे नाल इतने कठारनी तो डडयालनी के बड़ी मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, अस इन्होंने गलबात करने लगे हुए तो इन्होंने तारीफ इन्होंने जबानी पूछने। बेशक इन्होंने काफ़ी सारे ऑडियंस इन्होंने ना थो तो इन्होंने शख्सियत वाकफ हो सी, तो अस इन्होंने गलबात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सोना ठीक बस अल्लाह शुक्र है। क्या नाम सोना? मैं इम्तियाज हुसैन राजा, एडवोकेट। माशाल्लाह एडवोकेट साहब, असंगी ये दसो कि इतने सारे इलाके डडयाल में लंगर दी रहे हैं, तो इसकी शुरुआत किस तरह हुई है, तो किस तरह मसल ने इतने लंगर इस्तेमाल किया गया? आज से डेढ़ साल पहले असल ने ग्रां कठाड़ ना एक टोका पिछवाना उसी मसाली माशरा मसाली ग्रां गाँव ना कंसेप्ट दिता गया है। ठीक है कि अस हर महीने ने पहले सैटरडे की गठे होने सारे ग्रां बंदे जिसी सत ढोकों ने बंदे डिफरेंट कबीले बरादरी ने बंदे डिफरेंट सियासी जमातों ने बंदे वो सारे असं गठे हुए तो आपू खाना पकाने और सारे मिली का खाना खाने। सही है। असने उत्थे एक शुरू किया लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चन्नी पहली जुमरात की मर्द औरत जो कोई भी उस लंगर शरीक होना चाहे वो शरीक होना या खाना खाने। असना ख्याल है कि इस लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया में फैलना चाहिए है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्ने इंसानियत है, तो उन्होंने सारी जिंदगी जड़ना ने उन्होंने तफैल जड़ना दुनिया की हिदायत मिली है, तो उन्होंने हवाले ना रिज्क तकसीम होना चाहिए है। अल्लाह ताला ने जड़ा भी असा की रिज्क दिता है असा की उस रिज्क चो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफों जड़ाया वो तकसीम करनी चाहिए है। ठीक है, तो उस एतबार नाल जड़ाया ये डडयाल भी शुरू होया। ठीक है, तो जड़ा ये बड़ी अच्छी गल है कि इस तरह प्यार मोहब्बत की फजा पैदा उसी और बड़ा मजदूर तबका आ इत डडयाल अंदर जड़े दिहाड़ीदार मजदूर हैं उन्हों की खाना जड़ना वो रोज़ अपनी बुनियाद पर अवेलेबल होना चाहिए है। सही है। रियासत में भी नवी बेसिकली जरा कंसैप्ट हो ही है कि हर बंदे की जड़ना रोटी रोजी मकान छत ये मैसर होनी चाहिए है। इस जड़े भी डडयाल ने ये नौजवान ऐसा कि नह पे ये मलिक ज़ुबैर हो रहे हाफिज़ फहीम हो रहे और दीगर बंदे ने सारे बड़े मुबारकबाद में मुस्तैक है। मैं समझना कि अल्लाह ताला ने इन्हें की चुनी किंदा आ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत ने तफैल इन्होंने जड़ना तरफों एक कम हो रहा है, इस वसीला सबब बने तो सारे बंदे भी जड़े इस कम की अगर फैला ही रहे हो ये मैसेज पैगाम अगर दे ही रहे हो ये बहुत बड़ा कंसैप्ट है। एक अंसर साहब माड़े दोस्त हैं लीड्स होने उन्होंने जड़ना आज से साल पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने भी ये साझी कि लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू होना चाहिए, असं इसी शुरुआत अपने ग्रां से की है। ठीक है, हूँ इतने जी आई गल कसी सारा जासी बेसिकली समझने वाली गल यही है। मैं तुम कि आसा कि ऑडियंस की पैगाम देने वाली गल यही है कि जो मसाली माशरा मसाली महला मसाली माशरा मसाली ग्रां का कंसैप्ट हो इंसान इंसान की बुनियादों पर रहन। बिल्कुल, असा अपने ग्रां में हर महीने इकट्ठे होने बहने सब लोग एक दूसरे को माफ़ी मंगने और सब लोग एक दूसरे की माफ़ करने, यानी असा ने इस तू तो आगाज़ किया और असा ने मुकालमे से आगाज़ किया कि हर बंदे की गल करने आका उसनी गल ने अंदर उसकी रुकावट नहीं होनी चाहिए और दूसरा बंदा इनताई शास्तगी ना गल करे इनताई शास्तगी ना गल करे ना ये असा ने तकरीबन 1200 फलदार पौधे लाए जिन्हें जड़ना ये अंबा ने माल्टिया ने केलिया ने अंगूरों ने अमरूदा ने अंजीरा ने लोकाटा ने खुबानी ने आड़ू ने चीकू ने जापानी फल ने ये पौधे लाए हर कार 15 पौधे और हर कार ने अंदर 8 किस्म की सब्जियां असं सीजन वाइज लाने हैं। असा ने एक अलमारी मेहरबानी बनाई है अपने ग्रां में जिस अलमारी में जड़ा मर्जी रखी जाए जड़ा मर्जी सामान ले जाए उसी असा जड़ना बहुत बड़ी तादाद सिले हुए अन सिले कपड़े रखने औरतों ने बच्चों ने मर्दों ने शूज रखने असा ने जाना उसी घ्यो आटा चीनी चावल दाला बसार मर्चा आलू प्याज ये चीज़ा रखने और जो मर्जी समझना पाया कि मिगी जरूरत हो ले जाए। ठीक है,
असा मौत मारने का सिस्टम है सारा वो भी ऐसा ही आ कि वह सारा किसी बंद ना जाति जिस कारण मातम हो जाए उसी नहीं है। अगर इस तरह के महल डिवेलप हो जाए तो मुल्क अंदर अमन कायम हो जाए। तो मैं असा इस पैगाम की जाना हर तरफ जाना बड़ा जरूरी है। अज एक खुशखबरी की गल यही है कि मौजे अपने आम जड़ा उसने अंदर भी एक अरनियाल जान टोक है उसने अंदर एक भी अज चौधरी शहजाद साहब इंग्लैंड से आए उन्होंने सारे दोस्तों ने मिली उतने ग्रां ने लोगों मिली तो जाने एक प्रोग्राम किया है उन्होंने भी मसाली माशरा मसाली ग्रां की तरह जाना ये कंसैप्ट की एक्सैप्ट किया उन्होंने है जी कि इस तरह बहना जाना जरूरी है उन्होंने भी तय किया कि हर महीने सारे ग्रां ले ब्याह करसा कट्ठे खाना खाया कर। नाज़रीन तुसा राजा साहब दी गल्लां सुनदियां ने ते इना इस माशरे की पुरअमन बनाने वास्ते ते मसाली बनाने वास्ते अपना किरदार अदा किया है ते तुसा की नाज़रीन तक भी इना अपने अल्फाज भी दस्या कि इस तरह असा अपने इलाके की बदली सकने आ अपने आप की अपनी सोच की किस तरीके ना मुस्बत तरीके ना बदली सकने आ ते एक बुई मसाली इकदम उठाए रहे जेरे इमरान नहीं करी सके जरा कोई भी नहीं करी सकया एक बु बड़ा इकदम है जो कोई समझता है क्योंकि हर माशरा जो मुल्क होना कोई मिलत होनी है उसना अमन बुनियादी चीज़ है तो उसकी मुस्बत तरीके नाल अंजाम देना उसकी लोगों में शोर बेदार करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो असा सुने मशहूर हाँ कि तुसा ये चीज़ सारे ऑडियंस तक पहुँचाई है सुना मैसेज असा उम्मीद करने कि सारा ऑडियंस इस कॉन्सेप्ट पर भी चल सन तो इसकी जो बीज सुनहरे बीज डाले न सोने ने बीज डाले न ये हरियाली हो सी इंशाल्लाह तो अमन सारे मुल्क कायम और दायम रहे सी। तो बहुत मेहरबानी राज साहब अपना कीमती वक्त दिता बहुत मेहरबानी अल्लाह सुनने वाला है।